सीसीएल अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच ढकरा स्टेडियम में खेला गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मेजबान इनके एरिया और सीसीएल मुख्यालय के बीच हुआ, जिसमें दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हुई। इनके एरिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 103 रन बनाए, वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी मुख्यालय की टीम 101 रन ही बना पाई। इनके एरिया की टीम 2 रन से मैच जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया। इस फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक वेलफेयर सीसीएल एके सिंह तथा इनके एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार और सीसीएल खेल अधिकारी आदिल हुसैन उपस्थित थे। प्रतियोगिता में कॉमेंट्री पिंटू और अशोक कुमार ने किया। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच विक्की महंता और सीरीज हिमांशु, बेस्ट गेंदबाज आकाश कुमार, बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार हिमांशु को दिया गया। प्रतियोगिता में विजेता एवं उप विजेता टीमों को मुख्य अतिथि ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर जीएम ऑपरेशन के झा एसओपी के तिवारी, भीम सिंह यादव, प्रेम कुमार, सुनील सिंह, डीपी सिंह, गोल्डन प्रसाद यादव, मनीष कुमार, बहुरा मुंडा, राघव चौबे, उमेश चंद्रा, लोकनाथ राणा, मोहम्मद अकरम, आलोक जोजवार, राम प्रवेश सिंह, दिवाकर साहू, नवनीत शेखर, जगन्नाथ महतो समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। सम्मानित करते हुए परम आदरणीय रवि परेड़ा, सम्मानित सुनील कुमार सिंह, आरकेएमयू के एरिया सेक्रेटरी साहब, के एरिया प्रेसिडेंट और सेफ्टी, एनडी की जो टीम कैप्टन है मुनेश्वर मुन्ना, अच्छे खेल का प्रदर्शन, बेहतर खेल का प्रदर्शन करके अंततः जीत हासिल करता है। वो वाला दीजिए, हाँ। देखिए मुनि जी, सभी टीमों ने और सभी खिलाड़ियों ने, मेन खिलाड़ी इधर देखिए, प्रकाश जी खींची यार, खींची खींची खींची, बिल्कुल ही खामोशी अच्छी। हमारे सुनील कुमार मेहता एक अच्छे एथलेट भी हैं। देखो महान खिलाड़ियों से भरा हुआ दोनों ही टीम था और सम्मानित करते हुए हमारे गोल्डन प्रसाद यादव हैं और मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। लगातार अपनी भूमिका सराहनीय रूप से निभाते एक स्मृति चिन्ह भेंट कर दी। उसके बाद एक क्षण छायाकार हमारे टेंट में तालियों स्वागत करें, उम्र निकल जाती है। स्पष्ट रूप से खेलों का प्रदर्शन कराया है, हमारे निष्पक्षता का धुरंधार, जिनको बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी भी बहुत ही। मिस्टर हिमांशु सम्मानित करते हुए महाप्रबंधक, एक बार उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखो, देखो डेबू सीरीज है इनका, युवा खिलाड़ी है। परम आदरणीय श्री
आदिल हुसैन साहब, विनय, एक ऐसा क्षण जिसे बरसों से बरस बीत जाती है लेने में, और आवाज नहीं आता है। देखिए देखिए, हल्ला नहीं कर रहा है यार, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं या तो आईपीएल टूर्नामेंट देख रहा हूं या भारत पाकिस्तान का मैच देख रहा हूं। एक एक बॉल में रोमांच, दो ओवर समाप्त होने को थी तब मैं पहुंचा, मुझे बताया गया कि एनके एरिया शायद पिछड़ रहा है, 103 रन की जरूरत। और उस समय जब मैं पहुंचा तो 97 रन हो चुका था। तो इस तरह का रोमांच और खेल की भावना का प्रदर्शन अद्भुत, जिसने भी वो मैच देखा दिल का धड़कन बढ़ा होगा निश्चय ही, और जो मैच नहीं देखा वो अफसोस करेगा। और मुझे ज्ञात हुआ कि एनके एरिया विगत 2-3 साल से प्रयासरत था कि फाइनल में आए और मैच जीते, जो आपने करके दिखाया। सबको हमारी तरफ से, एनके एरिया की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और हेडक्वार्टर की टीम भी उतनी ही अच्छी थी जितनी आपकी टीम है। हार जीत का कोई मायने नहीं है, लेकिन मैच में रोमांच लाना ये बताता है कि दोनों बराबर की टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरह से प्रतिभावान लोग हमारे सीसीएल में हैं, जिसकी वजह से ये मैच रोमांच के उच्चतम आयाम तक गया। मैं इस समापन समारोह में आने के लिए डॉक्टर एके सिंह साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने इस आयोजन में आया और इसकी काफी रोमांचक रहा। जैसा कि संजय कुमार साहब, जीएम साहब बताए, मुझे भी देखने का शुभ अवसर प्रदान हुआ और मैं भी बहुत रोमांचित हुआ। वास्तव में बहुत बहुत अच्छा मैच रहा, दोनों टीम एक से बढ़कर के एक थी, जीत किसी एक की ही होती है। लेकिन क्रिकेट या कोई भी खेल, खेल की भावना से खेला जाता है, जीत हार का कोई उतना अर्थ नहीं रहता है, महत्व नहीं रहता है। इसमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल की भावना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसको कि दोनों टीम के खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। दोनों ने जी जान से मैच को अपने पक्ष में करने के लिए खेल खेला। मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं इस सफल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए, भाग लेने के लिए। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कोरोना काल में अभी बहुत से
खेल जो हम लोगों को खेल कैलेंडर के मुताबिक करना था हम लोगों ने स्थगित किया, लेकिन अभी सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम लोग खेलों को शुरू किए हैं और इसमें सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसका हम लोग पालन करते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ ये जो मैच था और आज का जो समापन कार्यक्रम था ये काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मनोरंजन भी हम लोगों को मिला। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यह CCL का यह होता है कि अपने खिलाड़ियों के बीच से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की खोज करना एवं उसकी प्रतिभा का विकास करना। अभी आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोग अवश्य जानते होंगे कि कोल इंडिया क्रिकेट टीम के लिए हमारे 4 CCL के खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 4 प्लेयर हमारे CCL के होंगे और पूरे CCL टीम का नेतृत्व कैप्टनशिप आपके कर्मचारी प्रकाश यादव गहलोत प्रकाश गहलोत जो यहाँ के आपके एम्प्लॉय भी हैं उनको यह गौरव कोल इंडिया कप्तान प्रदान जो है किया गया है और हम सबों को उनसे आशा है कि इसको ये आगे बढ़ाएंगे और कोल इंडिया जो इंटर सेक्टर टूर्नामेंट होगा उसमें बहुत अच्छा करें और सर्वश्रेष्ठ पदक जीत करके लाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष सर, प्रबंध निदेशक श्री PM प्रसाद सर, हमारे डायरेक्टर पर्सनल राव साहब, दोनों ही खेल और खेलों के बढ़ावा में काफ़ी रुचि रखते हैं और इन दोनों का आशीर्वाद और निरंतर इनका जो गाइडेंस होता है उसके फलस्वरूप हम लोग इस प्रकार के खेलों का आयोजन कर पाते हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। क्षेत्र का उत्पादन के क्षेत्र में इनके एरिया काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और वर्तमान महाप्रबंधक श्री संजय कुमार के नेतृत्व में इनके एरिया नित्य प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह मेरे लिए खास करके व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हम लोग दोनों भी परिवार क्षेत्र में काम कर चुके हैं और जब भी लगता है कि संजय कुमार साहब और उनका क्षेत्र पूरा टीम प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं वहाँ हेडक्वार्टर में देख करके मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। यह बहुत ही गर्व की बात है और पूरे CCL का भी ग्रोथ हमारे माननीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक एवं निदेशक मंडल के नेतृत्व में बहुत उत्साहपूर्वक है। सभी क्षेत्रों में उत्पादन का क्षेत्र हो, उत्पादकता का क्षेत्र हो, डिस्पैच का क्षेत्र हो, CCL नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस प्रकार का जो माहौल बनता है खेल का ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कर्मचारियों को अच्छा उत्पादन करने में, अच्छा काम करने में उत्साह को बढ़ाता है।